अगर सरकार 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दे तो क्या भविष्य होगा आईपीएल का, बीसीसीआई क्या फैसले लेगा, इस पर डिटेल में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से 15.5 करोड़ रुपए में बिके पैट कमिंस के अब सुर बदल गए हैं आईपीएल पर, क्योंकि पहले आईपीएल के पक्ष में बात कर रहे थे, अब आईपीएल के विरोध में बात करने लगे हैं। और इसी तरह से आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें जो आज निकल कर आई है उन पर बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों आप बीएमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली सबसे बड़ी खबर पर सबसे पहले बात करेंगे, खबर यही है, बात यही है कि अगर लॉकडाउन को सरकार 30 अप्रैल तक बढ़ा देती है तो क्या क्या विकल्प फिर बीसीसीआई के पास, क्या क्या रास्ते बचते हैं, आईपीएल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज तो यही है कि पहला विकल्प जो बीसीसीआई के पास फिर रहेगा कि फिर 30 अप्रैल तक वेट एंड वॉच करें। हमने देखा है कि पिछले 2-3 हफ्ते से बीसीसीआई वेट एंड वॉच ही कर रहा है। अभी रिसेंटली 2-3 अप्रैल को भी बीसीसीआई की मीटिंग होनी थी, बीसीसीआई ने यही कहा कि हम 14 तारीख तक देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे और फिर फैसला लेंगे। अब अगर ऐसी स्थिति में सरकार और आगे बढ़ा देती है तारीख को लॉकडाउन की, अगर 30 तारीख को जो है लॉकडाउन हटता है, तो फिर एक ही चारा सबसे बड़ा विकल्प यही बचेगा कि 30 तारीख तक स्थिति को देखें और फिर 30 अप्रैल को फैसला ले। तो पहला विकल्प तो यह है, लेकिन दूसरा विकल्प फिर बीसीसीआई के पास यह है कि तुरंत प्रभाव से फैसला लिया जाए और जुलाई अगस्त में आईपीएल को पोस्टपोन कर दिया जाए और फिर जुलाई अगस्त में तब की तब देखी जाएगी। ये एक बहुत सही स्टेबल फैसला आज की परिस्थितियों में हो सकता है। आज किसी को पता नहीं है आज करंट स्थिति में कि कोरोना वायरस कितना असर करने वाला है आने वाले फ्यूचर में। जितने भी देशों में अभी तक हुआ है, हर देश में गंभीर स्थिति में आया है और फिर खत्म हुआ है, समय लगा है। तो ऐसी स्थिति में एक सबसे अच्छा फैसला यही है कि अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो सीधा आप जो है जुलाई अगस्त तक आईपीएल को पोस्टपोन कर दो और फिर तब एशिया कप क्या होगा, एशिया कप का जो भी होगा तब देखा जाएगा। ये दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प दोस्तों बीसीसीआई के पास फिर तब बचेगा कि कैंसिल कर दिया जाए आईपीएल को, क्योंकि अगर 30 अप्रैल तक जो है लॉकडाउन रहता है तो मई में भी आईपीएल कराना बड़ा मुश्किल होगा। 24 मई तक आईसीसी एफटीपी की विंडो खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत सीधा रीजन रहेगा कि आप सीधे तुरंत प्रभाव से अगर लॉकडाउन बढ़ा देती है सरकार तो आईपीएल कैंसिल करा दे और चांसेस 70% फिर आईपीएल के कैंसिल होने के हो जाएंगे। हाँ, अगर लॉकडाउन हट जाता है तो फिर बीसीसीआई के पास हाथ पैर मारने का मौका रहेगा। तो ये होगा अगर लॉकडाउन बढ़ जाता है तो। दूसरी बड़ी खबर पर अब बात करते हैं। खबर यह है कि पैट कमिंस के सुर बदल गए हैं और आईपीएल का विरोध करने लगे हैं वो। जी हाँ दोस्तों, पैट कमिंस ने आईपीएल के विरोध में बयान दे दिया है। 2 दिन पहले आईपीएल के पक्ष में पैट कमिंस ने कहा था कि वो बहुत ज्यादा होपफुल है कि वो इस साल आईपीएल में आकर खेले और जरूरी भी था, 15.5 करोड़ रुपए में वो बिके थे। अगर आईपीएल नहीं होगा तो उनका कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, उनके हाथ से सीधा सीधा अपने जिंदगी भर का पैसा चला जाएगा। लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं, कहीं से तो उनको ज्ञान मिला है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आईपीएल उतना जरूरी नहीं है जितना वर्ल्ड टी20 जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, पैट कमिंस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आईसीसी की रिसेंटली बैठक होने वाली थी और आईसीसी फैसला लेने वाली थी कि क्या वर्ल्ड टी20 को कैंसिल किया जाए या नहीं। और इस साल का वर्ल्ड टी20 ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। अगर जितना भी पैसा इस साल वर्ल्ड टी20 में कमाने वाला था वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ही कमाने वाला था। इसीलिए पैट कमिंस ने यह बयान दिया है, क्योंकि पैट कमिंस को भी शायद समझ में आ गया है कि आईपीएल कैंसिल हो सकता है और ऐसी स्थिति में उनका जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है ना, वही उनका माई बाप बनने वाला है, वही उनका सबसे बड़ा पेरेंट बोर्ड है। तो उसके लाइन पर वो चले और उन्होंने आईपीएल के पक्ष में नहीं अब विरोध में बयान दिया है कि नहीं, आईपीएल से जरूरी अब वर्ल्ड टी20 है। और मेरे हिसाब से शायद ये है भी, रियलिटी भी है, वर्ल्ड टी20 ज्यादा जरूरी है लेकिन आईपीएल भारतीय क्रिकेट के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, और तीसरी बड़ी खबर आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान के लिए पहले ही एक बुरी खबर उनके क्रिकेट से जुड़ी हुई आ चुकी है। खबर ये थी पहले ही, जो मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से एशिया कप के ऊपर संकट है, लेकिन अब दूसरी बुरी खबर पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी हुई आ गई है। दरअसल दोस्तों एशिया कप को लेकर संकट था, क्योंकि अगर बीसीसीआई एशिया कप को कैंसिल करवा देता है, जुलाई अगस्त में अगर आईपीएल होता है
तो इस साल का जो एशिया कप था वो पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, और जो भी कंट्री एशिया कप या आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करती है उसके पास इनकम जाती है, जो भी कमाई एशिया कप से होती है। और अगर भाई एशिया कप नहीं होता ना इस साल, तो इनके पास बहुत ज्यादा नुकसान भी होता, और इसीलिए ये लोग पहले ही आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल का दरवाजा भी ठकठका चुके हैं। लेकिन दूसरी बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो सेमीफाइनल और फाइनल होने वाला था इस साल, कोरोना वायरस के कारण पूरा पीएसएल तो हो गया था लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल को टाल दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, वो रद्द हो सकता है। मतलब पहला ऐसा टूर्नामेंट हो जाएगा पीएसएल जो पूरा टूर्नामेंट हो गया लेकिन अंतिम दो तीन मैच ही नहीं हुए और पूरा टूर्नामेंट पानी में चला गया। ये हो सकता है क्योंकि दोस्तों इन्होंने सोचा था कि ये वायरस का खतरा जब जाएगा तो ये जुलाई अगस्त सितंबर या फिर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर में कहीं भी जाकर पीएसएल 2020 के सेमीफाइनल और फाइनल करा लेंगे, लेकिन अब इन्हें कोई विंडो नहीं मिल रही है ये तीन मैच कराने के लिए, और इन तीन मैचों को खेलने के लिए कोई भी टीम अभी मतलब जो भी कोई भी टीम अपने खिलाड़ियों को, विदेशी खिलाड़ियों को भेजने के लिए राजी भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा संकट इनके ऊपर आ गया है, या तो फिर इन्हें पूरे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ ही सेमीफाइनल और फाइनल करके खाना पूर्ति करनी पड़ेगी, या फिर भाई इन्हें भी सेमीफाइनल और फाइनल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस साल आप कह सकते हैं कि जो पूरा पीएसएल हुआ है ना वो ही पानी में चला गया, और जब से पीएसएल का थीम सॉन्ग आया था तब से ही ऐसा लगने लगा था, जो ऑफिशियल इनका थीम सॉन्ग था तब से ही ऐसा लगने लगा था कि इस साल पीएसएल के साथ शायद कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की, और ये खबर निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स के गलियारों से। दरअसल दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से राजस्थान रॉयल्स के मालिक पहली बार और सबसे पहले खुद आकर ये कहकर गए थे कि किसी भी तरह से इस साल का आईपीएल होना चाहिए, भले ही विदेशी खिलाड़ियों के बंद स्टेडियम में आईपीएल हो। लेकिन अब बहुत बुरी खबर उनके लिए है क्योंकि उनका जो टाइटल स्पॉन्सर था, मतलब वो ब्रांड, वो एडवर्टाइजर जो आपके शर्ट के सबसे आगे सबसे बड़ा अपना लोगो देता है, सबसे ज्यादा पैसे देता है, वो चला गया है, छिटक गया है, उसने अपनी डील कैंसिल कर ली है। दरअसल पूरा मसला ये है कि इस साल दुबई एक्सपो 2020 ने इन्हें टाइटल स्पॉन्सरशिप दी थी, उनका लोगो इनके सामने लगने वाला था, लेकिन यूएई में भी, दुबई में भी कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, और इस कारण से जो इस साल दुबई एक्सपो 2020 होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया है, और 2021 में अब दुबई एक्सपो होगा, और इसीलिए अब उनके लिए कोई रेलेवेंट बचा नहीं था कि आईपीएल में स्पॉन्सरशिप दे। और उन्हें भी पता था कि मोस्ट प्रोबेबली आईपीएल या तो जुलाई अगस्त में बड़ी मुश्किल से हो पाएगा या फिर कैंसिल होगा, तो इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने अपना जो स्पॉन्सरशिप थी वो वापस खींच ली है, और राजस्थान रॉयल्स को 27 करोड़ रुपए का नुकसान है, क्योंकि रिपोर्टेडली ये जो डील हुई थी ना इन दोनों के बीच, राजस्थान रॉयल्स और दुबई एक्सपो 2020 के बीच, वो लगभग 27 करोड़ रुपए की हुई थी। तो सीधा बट्टा सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान रॉयल्स को हो गया, और राजस्थान के लिए नुकसान इतना बुरा इसलिए है क्योंकि राजस्थान उन टीमों में से है जो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती है हर साल, ज्यादा कमाई नहीं कर पाती है जितनी मुंबई या आरसीबी की टीमें करती हैं, और ये इसलिए बहुत बड़ा बट्टा राजस्थान को, राजस्थान के फैंस को लगा है। दोस्तों पांचवी बड़ी खबर जो इस समय निकल कर आ रही है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट से निकल कर आ रही है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बहुत बुरी खबर है, उनके फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि दिसंबर तक इस साल इनका पूरा क्रिकेट बंद हो गया है, शट डाउन हो गया है। क्या पूरा माजरा है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल दोस्तों हुआ यह है कि न्यूजीलैंड में अब धीरे धीरे कोरोना वायरस पैर पसार रहा है, हालांकि दोस्तों दूसरे देश जैसे भारत है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, ये तो कह रहे हैं कि हम जुलाई अगस्त में, भारत कह रहा है कि हम मई में हम क्रिकेट चालू कर देंगे, सबको नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद न्यूजीलैंड क्रिकेट वालों को पता लग गया है कि इतनी जल्दी कुछ नॉर्मल होगा नहीं, और इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि वो दिसंबर तक अब कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। श्रीलंका के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, आयरलैंड के साथ इनकी सीरीज होने वाली थी, वो सारी सीरीज जो है वो अभी के तुरंत प्रभाव से ही रद्द के हिसाब से ही है, मतलब रद्द ही आप मानकर चले उन्हें, सिर्फ वर्ल्ड T20 खेलने न्यूजीलैंड की टीम जाएगी, जो अभी तक का इनका कह लेना कि FTP न्यूजीलैंड के लिए निकल कर आया। हालांकि सीरीज तो इन्हें बहुत सारी खेलनी थी लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब ये लोग नहीं खेलेंगे, और दिसंबर तक न्यूजीलैंड क्रिकेट शट डाउन पड़ी रहेगी, कुछ नहीं करती हुई नजर आएगी। इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी इतना लेजिमेट नहीं है, इतना ज्यादा तगड़ा नहीं है, इतना पैसा नहीं है उसमें, तो वो भी एक तरह से शट डाउन रहने वाला। तो ये थी दोस्तों पांच बड़ी खबरें, और हर डिटेल में मैंने एक एक खबरें आपको बताई, और कितना उसका प्रभाव आईपीएल और क्रिकेट पर पड़ रहा है कोरोना वायरस का,
ये भी आपको बताया। आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर बताइए कि आपके हिसाब से हमने ये जो नया सेगमेंट आपके लिए लेकर आया है हर रोज क्रिकेट के आईपीएल की खबरें देने का, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपना आईपीएल का दिमाग, क्रिकेट का दिमाग कमेंट में लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।